हाय, दिस इज कीतु। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, दो तरह के नेचर होते हैं उसके। अगर आप कुरियर सर्विसेज को चूज कर रहे हैं, पहला तो रिटेल, आप जैसे मिंत्रा, अमेजोन जो पार्सल भेजता है वो रिटेल होता है बेसिकली। छोटे छोटे पार्सल्स, एक टी शर्ट भेजनी है, दो टी शर्ट भेजनी है, एक लहंगा भेजना है। दूसरा हो जाता है B2B, आप बल्क करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप टॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या टी शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपको 50 टी शर्ट भेजनी है, 100 टी शर्ट भेजनी है, 1000 टी शर्ट भेजनी है। तो देखिए, दो कैटेगरी है, रिटेल और B2B। रिटेल के अंदर भी दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी कैसी? जैसे आपको वन टाइम चाहिए, आपको एक बार ही पार्सल भेजना है, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। आपके पास दो तीन पार्सल हैं, केवल वही भेजना है आपको, डेली उतने ही भेजना है, या फिर आपको भेजना है 20-25 पार्सल डेली भेजना है। तो रिटेल के अंदर दो कैटेगरी आ गई, 4-5 पार्सल वाला, या फिर 20-25 पार्सल आपको भेजना है हर दिन। B2B के अंदर भी दो कैटेगरी हैं, आप या तो 5 से 10 किलो का माल भेजना है आपको, 5-10 किलो का, 50 किलो का माल, 20 किलो, 30 किलो का माल, और या फिर दूसरी कैटेगरी है B2B के अंदर, आपको 200 किलो भेजना है, 1000 किलो भेजना है, 500 किलो भेजना है, तो कैसे बेचोगे? तो यही दो नेचर होते हैं, रिटेल और B2B। और इन रिटेल और B2B के अंदर भी दो दो प्रकार होते हैं जो मैंने बताए। मैं बात स्टार्ट करता हूँ रिटेल से। देखिए, अगर रिटेल की बात करूँ मैं, तो इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन है। देखिए, मैं केवल उतने ही ऑप्शंस की बात करूँगा जितने ज़रूरी हैं। 50 ऑप्शन बता के, 10 ऑप्शन बता के आपको कन्फ्यूज नहीं कर दूंगा, तो आप देखते रहिए। रिटेल के अंदर दो ऑप्शन मैं केवल आपको दूंगा, एक तो डिलीवरी और दूसरा शिप रॉकेट। शिप रॉकेट ईजी है, आपने ऐप इंस्टॉल किया एंड्रॉयड का या फिर आईफोन में ऐप इंस्टॉल किया और आपने तुरंत भेज दिया, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं पड़ती है। लेकिन ये तब तक ही काम आता है जब आपके पास दो पार्सल हो, चार पार्सल हो, वन टाइम आपको बस सर्विस चाहिए। लेकिन आपके पास अगर रोज़ के 10-12 पार्सल हैं, 15 पार्सल हैं, तो एक एक पार्सल की डिटेल आप इंटर नहीं कर सकते हो शिप रॉकेट में, क्योंकि उसमें एक एक डिटेल इंटर करी जाती है जो फ्री वर्जन होता है। डिलीवरी में आपके पास एक एक्सेल सीट होती है, जिसमें आपके पास अगर 20 पार्सल भी है तो आप 20 पार्सल का डिटेल वहां पर ऐड कर सकते हो, जैसा स्क्रीन में शो कर रहा है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। केवल इतनी डिटेल्स ऐड करनी रहती है और टाइम के साथ बड़ा इजी हो जाता है डिटेल्स ऐड करना शीट पे, एक्सेल शीट पे, और अपलोड करना उसे इजीली और मैनेज करना। तो रिटेल के अंदर आपको मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि भैया डिलीवरी में जाओ, क्योंकि आज अगर 5 ऑर्डर आ रहे हैं पर डे तो डेफिनेटली ग्रो करेगा आगे, तो पहले से ही डिलीवरी की आदत लगाओ। शिप रॉकेट अगर आप वन टाइम हो कि भैया बस एक ही बार है हमारा और बिजनेस ग्रो नहीं करना है, दो तीन ही ऑर्डर आने हैं, तो आप शिप रॉकेट करो। मेरा सजेशन है डिलीवरी पकड़ो, ज़्यादा बेटर है। अभी बात आती है कि डिलीवरी का अकाउंट कैसे ओपन करें। नीचे मैं मेल आईडी दे दूंगा डिलीवरी की, आप गेट बैक करो डिलीवरी वालों को, उनकी सर्विसेज अच्छी हैं। आप लिखो कि भैया मेरे को अकाउंट ओपन करना है और वो आपको गेट बैक करेंगे। शिप रॉकेट डायरेक्टली आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, है ना, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है, तो शिप रॉकेट में कोई भी दिक्कत नहीं है। डिलीवरी और शिप रॉकेट दोनों ही फ्री हैं, तो आप स्टार्टिंग से इसको यूज़ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब बात करता हूँ मैं B2B की। देखो, B2B के अंदर मैंने इसको दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक 20 किलो, 30, 40, 50, अंडर 50 kg तक के लिए मैंने पहली कैटेगरी दी है, और दूसरा जो है 50 किलो से ऊपर, जैसे 100 किलो, 200 किलो, आपको 2000 टी शर्ट भेजनी है ना, 300 किलो, 1000 किलो, एक ये कैटेगरी हो जाती है। पहली कैटेगरी जो अंडर 50 किलो तक के लिए है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शिप रॉकेट यूज़ करो। शिप रॉकेट से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आप 20, 25, 30, 40 किलो के की शिपमेंट भेजना चाहते हो ऑल ओवर इंडिया, अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, डिलीवरी भी अच्छा नहीं है। 20, 30, 40 किलो जो वाली शिपमेंट होती है, इनके लिए डिलीवरी भी अच्छी नहीं है, मुझे इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं लगी बल्क के लिए डिलीवरी वालों की, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ शिप रॉकेट, क्योंकि मैंने यूज़ किया है शिप रॉकेट 20, 30, 40, 50 किलो के लिए। अभी जो दूसरी कैटेगरी आ जाती है ना, जो आपका 100 किलो, 200 किलो के लिए, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया VRL है, VRL ट्रांसपोर्ट, आप गूगल में सर्च करिए VRL ट्रांसपोर्ट, मैं डिटेल्स नीचे दे दूंगा। तो VRL के जो ऑफिस हैं, लेट्स से कि मैंने दिल्ली से प्रोडक्ट भेजना है, या फिर मुझे चेन्नई से भेजना है, या फिर मुंबई से प्रोडक्ट भेजने हैं, 1000 टी शर्ट भेजनी है, तो मैं क्या करूँगा, VRL के ऑफिसेज हैं इंडिया भर में, हर जगह उनके ऑफिसेज हैं। मैंने टी शर्ट्स पैक करी और उनके ऑफिस तक पहुँचाई, VRL के ऑफिस तक पहुँचाई, जैसे दिल्ली में ओखला मैंने टी शर्ट्स पहुँचा दी, ओखला में उनका ऑफिस है,
और वहां से अगर मुझे मुंबई भेजनी है टी शर्ट, तो मुंबई का जो VRL ऑफिस है, जो मैंने पिन कोड प्रोवाइड किया था जिस एरिया में टी शर्ट जानी है, उस एरिया में डेफिनेटली कहीं ना कहीं VRL ऑफिस होता ही है, बड़ी कंपनी है। तो टी शर्ट्स वो शिपमेंट 100 किलो की 200 किलो की उनके VRL के ऑफिस में पहुंच जाती है और फिर ऑफिस से आपको पिकअप करना होता है। तो VRL की सर्विसेज भी बहुत बढ़िया है, चीप है और अच्छी भी है। 10 से 12 दिन का टाइम लेती है यहाँ से मुंबई पहुँचने में, या कुछ 7-8 दिन का टाइम लेती है। तो इनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं। B2B के लिए आप दो ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। पहला शिप रॉकेट, ज़्यादा बड़ी शिपमेंट नहीं है आपकी, है ना, 20-50 किलो के करीब है। और दूसरा VRL, आपका जो शिपमेंट है बहुत भारी है, 1000 किलो 500 किलो। तो ये दो ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन मैंने बताया आपको, तीन ऑप्शन ध्यान रखना आपको कोरियर सर्विसेज के लिए हमेशा काम आएंगे। पहला डिलीवरी, मैं नीचे लिंक दे दूंगा कैसे अप्लाई करो, और उनका जो मेल है उस पर गेट बैक करो, वो लोग रिप्लाई करेंगे। दूसरा शिप रॉकेट, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली गूगल ऐप से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए मौजूद है, तो किसी भी झंझट की ज़रूरत नहीं है शिप रॉकेट में। तीसरा VRL, आपके पास शिपमेंट है, उनका ऑफिस देखो नियर बाई कौन सा है, शिपमेंट उठा के उनके ऑफिस में पटक दो और वो लोग पहुंचा देंगे जहां के लिए आप उनको एड्रेस दोगे। तो ये तीन चीज़ें, डिलीवरी, शिप रॉकेट और VRL, तीन चीज़ें याद रखो आपके बिजनेस में बहुत काम आने वाली है।